आज बहुरा जात्रा थी। आप यहाँ के जो सीओ के पत्नी होते के नाते यहाँ जो छेरा पहरा उन लोगों ने किए, आज बड़ी धूमधाम से आप लोग पालन कर रहे हैं बहुरा यात्रा, कैसा माहौल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जय जगन्नाथ, जय माँ समलेश्वरी। जैसे पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ पे हैं, हमारा बहुत बड़े मतलब हमारी बहुत इच्छा थी कि हम भी अपने प्रांगण में सब जगह देखते हैं, पूरी में देखते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा थी कि हम अपने टाउनशिप में इनको स्थापित करें। सो हमारा भगवान जगन्नाथ और माता सुभद्रा और बलभद्र भगवान जी ने साथ दिया और इस बार हमारे यहाँ 10 या 12 दिन का जो ये पूरा समारोह होता है, शुरू दिन से प्राण प्रतिष्ठा डाला गया। मैं और सर अनिल जी दोनों उसमें बैठे, उड़िया विधि से ही, उड़िया पंडित से ही कराया गया है पूरा विधि व्यवहार। पूरे दिन भर चला, उस दिन पूरा लंगर चला, मुझे लगता है 4 या 5 हजार लोग खाया होगा। और पहला दिन जो रथ यात्रा निकला था, पूरा भव्य दिव्य तरीके से निकला। हमारे टाउनशिप से लेके बाहर के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जो रंगबत्ती जो गाना गाए हैं, जो लिखे हैं, जो पद्म श्री हैं मिला है, उनको भी हम लोग चीफ गेस्ट पे बुलाए थे मुख्य अतिथि के रूप में। फिर यहाँ तेलगोली की जो सरपंच है अवंती नायक, उनको भी हम लोगों ने बुलाया था और हम खुद उसमें शामिल थे। अच्छा करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे भी थोड़ा अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये तो पहली बार है। लेकिन और हम अभी चंडीगढ़ से एक मीटिंग अटेंड करके सर आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी उसी में थी, यात्रा के लिए ही खास उसके लिए ही छोड़ के भाग के आए हैं हम लोग, सबको पता है। तो हमारे अंदर बहुत श्रद्धा है और उड़ीसा में रह के अगर जगन्नाथ पूजा ना हो तो और क्या हो। तो ये हमारा श्रद्धा है और हम बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं भीड़, और ये सारे मेरे टाउनशिप के अंदर के ही सारे भीड़ है। तो थैंक यू और धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे बीच में आए हैं। धन्यवाद। जगन्नाथ प्रभु की पावन धरा उड़ीसा की संबलपुर की विजय डब्ल्यू बीपीसीएल में आज बहुरा यात्रा आप लोग मना रहे हैं। इसके अवसर में आपके जितने कर्मचारी हैं, यहाँ की जो आवश्यक है, क्या कहेंगे उन लोगों को, कैसा रहा आज का दिन? सबसे पहले तो जय जगन्नाथ पूरे संबलपुर वासी के लिए और पूरे उड़ीसा के लिए और पूरे भारत देश के लिए जय जगन्नाथ। अगर जगन्नाथ पूजा की बात करें हम लोग, तो हम जेएसडब्ल्यू बीपीएसएल पिछले 3 साल से यहाँ पे है और हम लोग हर एक साल जगन्नाथ पूजा ये पूरी यात्रा के समय में मनाते हैं। बट इस साल का जो जगन्नाथ पूजा जो हमारे बीपीएसएल प्लांट के अंदर जो है वो अलग ही है, तो बहुत ही खास है। और वो इसलिए है कि इस बार हमारी जो मंदिर है प्लांट के टाउनशिप के अंदर में, उस मंदिर में बहुत सारे भगवान देवता का उसमें स्थान है, बट जगन्नाथ भगवान का स्थान नहीं था। तो हम लोगों ने इनकी प्राण प्रतिष्ठा अपने मंदिर में किया है इस साल, और अभी से ये हमारे मंदिर में हमेशा के लिए जगन्नाथ भगवान, माँ सुभद्रा और बलभद्र भगवान जो है हमेशा के लिए स्थापित हो गए हैं। और आज बहुरा है और आप देख रहे हैं कि हमारे टाउनशिप के बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, फैमिली मेम्बर हैं, ये लोग बहुत जोश और उल्लास के साथ में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं भी अभी जस्ट इसको अटेंड करना था, इसलिए मैं चंडीगढ़ से जस्ट इन्हीं की दया से पहुँच पाया हूँ और आज मैं इनको अटेंड कर रहा हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है।